सानो इज ऑल सेट फॉर द बैचलर पार्टी इवेंट। सुबह कैसी दिख रही थी सानो, और अभी देखिए पूरा सूट बूट पहन के, ये पूरे एक सूट के ऊपर उसने पूरा शादी का इवेंट निकाला। आप लोगों को पता है ये सूट के बेसिस पे उसने नववारी और सारे फ्रॉक्स लिए पहनने के लिए, एंड शी इज रियली हैप्पी। आप लोग भी कमेंट में बताना सानो कैसी दिख रही है सूट बूट में। आया कन्हैया आ जा, कौन है? सानू है ना? सानवी है। हाँ सकाळी लाजत होती, आता कशी आली बघा एकदम, आता तिच्या आवडीच आहे ना। दादा चेंज करतोय। तो फाइनली वी ऑल सेट फॉर द बैचलर पार्टी। बहुत लेट हो गया हम लोग को, जो हम लोग ने टाइम स्केड्यूल सेट किया था उसके हिसाब से सुपर लेट। एक दिन में तीन इवेंट करना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सुबह मेहंदी का इतना कार्यक्रम हुआ, उसके बाद बैंगल्स भरने का, उसके बाद ये पूरा बैचलर पार्टी का इवेंट ऑर्गेनाइज करना, इट्स नॉट ईजी। इतने सारे गेस्ट के बीच में सब मैनेज करना, बट स्टिल वी मैनेज। सो आई एम रेडी इन दिस ब्यूटिफुल चेक्स वाला शर्ट, अंदर टी शर्ट और नीचे जींस। ये हम लोग का आज का थीम है। एक्चुअली पहला हम लोग ने, हाँ ये पहले हम लोग ने थीम रखा था कि वेस्टर्न पहनेंगे वन पीस, और ये लोग सब रेडी हो गए। देखो एक साथ लाइन में खड़े हो गए, हो गया जाओ स्मॉल मीडियम एंड बिग। तो फिर हाँ, तो हम लोग ने पहले वेस्टर्न सोचा था, तो इसके लिए जीविका आर्या एंड आई थिंक नमिता ने सबने वेस्टर्न ही खरीद लिया था, गाउन खरीद लिया था। बट देन आई चेंज डेट, मैंने सोचा अभी बैचलर पार्टी है, लड़के का है तो लड़के के साइड से थीम होना चाहिए। तो फिर हम लोग ने ये चेक्स वाला थीम रखा, जो आपको पता है मुझे बहुत पसंद है। मैंने सुशांत और निशु को भी ऐसे शर्ट खरीदने के लिए बोला पहनने के लिए, इससे मैंने आज उन लोगों का स्टाइल ही रखा, वो टी शर्ट एंड शर्ट वाला, बट थोड़ा गर्ल एंड बॉयज़ का ऐसा मिक्स रखा, एकदम बॉय वाला नहीं किया बट बॉय स्टाइल जैसा किया है, गर्ल स्टाइल में यो में। और बाल भी मैंने आज इस बाजू टर्न कर लिया, इतने दिन दो दिन मैंने ऐसा रखा था, आज मैंने इस बाजू कर दिया। एंड ऑल सेट, और मेहंदी भी अभी अच्छे से रंग ला रही है, धीरे धीरे और अच्छे से रंग लाएगा। बेसिक सिंपल मेकअप कर दिया, बहुत हौचपौच हो जाता है घर में, इतने सारे कपड़े हो गए, सब जगह सामान सब वाइंड अप करते 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 भी रीच टेल ईयर पूरा डेकोरेशन कर दिया। सो अभी जा रहे हैं नीचे, नीचे जाके इवेंट स्टार्ट करेंगे। निशु अभी तक रेडी भी नहीं हुए, बेचारा इतना भागम भाग कर रहा है। निशु और अमोल दो बार मार्केट जाकर है, उसके बावजूद भी लिस्ट खत्म नहीं, इसलिए तीसरी बार वापस गए, जो हम लोग बताना भूल गए थे। लाइक मैं अभी जाकर आता हूँ, कल तो मुझे सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, आगे फट से रेडी हो जाऊँगा, मुझे कितना टाइम लगता है। तो ही दे बोथ आर मैनेजिंग। नीचे डेकोरेशन भी सब ने मिलकर किया, मनाली, क्षितिजा, जीविका, रुपेश, बच्चे सब लोग ने मिलकर किया, सुशांत ने, सब ने मिलकर किया। मैं ऊपर का ही संभाल रही थी पूरा बैंगल्स का और यहाँ का बाकी का काम, तो मैं तो नीचे अब तक खुद भी नहीं गई हूँ देखने के लिए क्या एक्चुअली किया है नीचे। जो सब लाया था डेकोरेशन का थीम के हिसाब से वो दे दिया। सो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट एंड डू लेट मी नो हाउ एम आई लुकिंग। और मैंने बहुत कोशिश किया टू गिव मोर इनोवेटिव लुक्स, जैसे एक ही सिंपल नहीं रखा कि साड़ी 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 ड्रेस नहीं रखा, कॉम्बिनेशन ऑफ कुर्ती साड़ी ड्रेस ये ऐसा वाला अटायर, ताकि आप लोगों को ब्लॉग में भी ना अलग अलग चेंजेस दिखाई दे, ऐसा ना दिखे कि अरे सेम दिख रहा है सेम दिख रहा है। अभी कल वापस पूरा ट्रेडिशनल होने वाला है, हल्दी है कल सुबह। सो ये काफी इज ऑल्सो सेट, नीचे मुझे बुला रहा है ये चलो करके। सो लेट्स गो एंड सी हाउ द पार्टी इज गोइंग टू गो। चेक्स के थीम के हिसाब से दे ऑल आर रेडी। मावशी तो बहुत सुंदर लग रही है चेक्स वाले साड़ी में, काकी ऑल सेट बुक पढ़ रही है, मम्मी ने खन का चेक्स वाला पहना है, और ये रही मेरी मम्मी, जो सब जिसके पास जैसा जैसा अवेलेबल था वो लोग रेडी हो गए। तो नाउ वी आर गोइंग डाउन। सो ये नीचे जो हम लोग का पार्किंग एरिया है ना, जहाँ आप लोगों को पता है नो पार्किंग हो गया है, वो पूरा एरिया हम लोग ने लिया, आधा एरिया लिया है, इसको कुछ इस तरह डेकोरेट किया है, और एक साइड ऐसा चेयर लगाया है, और यहाँ पे सर्विंग टेबल किया है, और ये सामने सुशांत का बैचलर पार्टी का अरेंज किया है। बिट्टू ककड़ी को। सो बेसिकली इट इज सुशांत का बैचलर पार्टी, तो ऑब्वियसली उसका नाम का पूरा हम लोग ने नेमिंग का बनाया, एंड चैम्पियन का लेट्स पार्टी, और ऊपर चेस करके है। तो ये पूरा थीम ऐसा रखा है ब्लैक गोल्डन कलर का, बॉयज के हिसाब से वी डिड नॉट टेक ब्लू कलर, इसलिए थोड़ा कुछ अलग करते हैं। तो ये सेट हो गए, अभी एक बार नीचे आ जाए दूल्हे राजा हमारे, तो हम लोग पूरे इवेंट चालू करते हैं। एंड इवन अजीत हैज कम, सुशांत बेस्टी, कसा है? अरे कॉन्ग्रेट्स, बेबी गर्ल झाली आहे, किती महिन्याची झाली? दीड महिन्याची झाली ना, बरी आहे ना?
आने ना भाई, पर लान है ना खूब, हाँ खूब लान है। और ये अजीत का भाई, दोनों एकदम साउथ इंडियन हीरो होते हैं ना, एकदम उसको देख के वो वाला ही फीलिंग आता है। हाइट बॉडी एकदम वैसे है ना काका, है ना अर्जुन को जो आने दो। हाँ एकदम मला साउथ इंडियन वाले हीरो सारखंच वाटतात, लुक एकदम तसंच है ना, बरोबर बोलली ना। लेट्स द पार्टी बिगेन, और जिसके लिए ये स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, लेट्स वेलकम हिम ऑन द फ्लोर एंड स्टार्ट द इवेंट। 1 2 3 गो। वेलकम 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 सुशांत साने टू योर बैचलर पार्टी, कांग्रेचुलेशन, कम 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 कम, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। आज तो द बैचलर नाइट है, इसके बाद तो डबल होने वाला सिंगल से। एक्साइटेड? यस, लेट्स एंजॉय द इवनिंग। अभी मैं 100 रुपीज वाला गेम स्टार्ट करने वाली हूँ, ये देखिए मैं एक्चुअल 100 रुपीज लेकर आई हूँ। बट इट्स क्या बोलते वो अमिताभ बच्चन का, कौन है करोड़पति वैसा कौन है 100 रुपया पति, गेस करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन सुशांत के रिलेटेड ही है, मैं ऑप्शन भी दूंगी ताकि ये लोग को थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, जिसका आंसर इन्होंने अगर सही दिया, हाँ जिसने भी सही दिया उसको मैं 100 रुपया देने वाली हूँ। आई गिव ऑप्शन ऑल्सो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन सब क्वेश्चन सुशांत के रिलेटेड ही है, और मुझे पता है सिलेक्ट करने में डिफिकल्ट हो गया, मैंने ऑप्शन रखा है। सुशांत का सबसे फेवरेट जगह कौन सा है, जहाँ वो घूमने जा जाना चाहेगा या कभी कोई भी नहीं? ऑप्शन ऑप्शन बोरी वाली है, बोरी वाली पेरिस। सबसे पहला ऑप्शन है लंदन, सिंगापुर, और सिंगापुर। मैं लंदन, लंदन सब सिंगापुर वालों को पैसा मिलेगा। लंदन सिंगापुर, गेस करो जल्दी जल्दी। लंदन सिंगापुर, लंदन फर्स्ट आया, सिंगापुर, लंदन, जापान है ना, तीन ऑप्शन था। तू सेकंड बोल रहा है,
प्रैक्टिस
आपने।